हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन थारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये लव राशि फल है, जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके बारे में और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। ये रीडिंग स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले या जो लोग सेपरेटेड है वो लोग देख सकते हैं। आपका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हैं, सेपरेटेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी रिश्ते में है, आप ओवरऑल ये रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं अपने राशि के अनुसार। ठीक है, ध्यान रहे, इस रीडिंग को अपने राशि के अनुसार देखें, जिसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस बताने वाले हैं। मैं हर मंथ आप लोगों के लिए इस तरीके की राशिफल पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस रीडिंग में जितना डीप एनालिसिस हो सकता है उतना पॉसिबली करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस रीडिंग को आप कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देखें। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम तो नीचे जाकर आप डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मैंने डिटेल्स डाली है, मून साइन के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग भी डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी अपनी राशि समझ नहीं तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे अपने नाम का पहला अक्षर डालकर उसके बाद उसमें लिख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, गूगल आपको बता देंगे, गूगल बाबा सब जानते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी उसमें भी। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे अवेलेबल है वो ऑप्शन, आप क्लिक करके अपनी श्रद्धा अनुसार पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, और अगर आप लोगों को आगे भी वीडियोस देखती है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ और लाइव क्यू एन ए भी करती हूँ, तो पार्टिसिपेट करने के लिए बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन ताकि आपको रिसीव हो जाए। ओके, सो उसके अलावा बताऊंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स ये नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, आप अच्छे से जानते हैं ये जो रीडिंग्स हैं वो सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, यदि आप लोगों को जो है अपनी रीडिंग्स में कन्फ्यूजन फील होती है, लग रहा है आउटकम मैच नहीं हो रहा है या रीडिंग का कुछ ना कुछ इशू है, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, डिटेल स्क्रीन पे है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने चार्जेस को पे करके अपनी बुकिंग करवा के अपनी रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा और फेसबुक की। ध्यान रखना मैं टिकटॉक, ट्विटर और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पे हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, यदि कोई और वीडियो दिखाकर या आपको क्लाइंट रिव्यूज दिखाकर पेमेंट मांग रहा है तो प्लीज उनकी बातों में ना फंसे, अलर्ट हो जाए, वो कोई स्कैम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना जो नंबर स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मौजूद है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, सिर्फ वही मेरे डिटेल्स है, उसके अलावा अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे या कमेंट बॉक्स में मैं कहीं पे भी कोई डिटेल शेयर नहीं करती। ठीक है, सो आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर है, आप लोग अब रेडी हो अपनी रीडिंग्स को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोलिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग्स को। सो अब बारी है सिंह राशि की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहने वाले हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, लवर्स, वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आइसोलेटेड ज्यादा हैं, आपके पार्टनर फिलहाल आपसे बात करने के मूड में नहीं हैं, बिकॉज इस वक्त उनकी खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ खोते हुए, कुछ बर्बाद होते हुए इससे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बहुत भयंकर चीजें होती नजर आ रही है। नाइन ऑफ सॉल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर किसी तरीके का फेलियर या लॉस फेस कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल लॉस है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनकी स्थिति, उनकी मनोस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, इस वक्त उनका मन बहुत उदास है। ऐसे टाइम में वो कहीं ना कहीं आपको संभाल सकें या आपकी तरफ देख सकें, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको खोने का डर भी इस महीने बहुत महसूस करेंगे। जिस तरह से उनके हाथों से सब कुछ निकलता चला जा रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है, उससे उनको लग रहा है कि शायद अब आप भी उनकी जिंदगी से निकल जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक उनकी जिंदगी से सब चीजें निकलती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक दूसरी प्रॉब्लम्स आती नजर आ रही है, जिससे वो बहुत परेशान हो चुके हैं। इस महीने वो आपको अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर अनजाने में ये आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपको बहुत याद करेंगे और बहुत ज्यादा उदास होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ज्यादा मिस करेंगे, इसलिए आपको उनके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान आना शुरू हो जाएगा, आप उनको ज्यादा से ज्यादा मिस करना शुरू कर देंगे। इस महीने की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करेंगे, उनका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत इमोशनली डिस्टर्बेंस को महसूस कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक के बाद
एक उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, उनके घर में प्रॉब्लम्स, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ वो अब आपको भी खोने का डर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर किसी परिवर्तन से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी तकलीफ जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसके वजह से वो खुद को चेंज कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुद को चेंज कर रहे हैं और वो अब उन चीज़ों को वैल्यू करना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में मायने रखती हैं। यूनिवर्स मुझे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारीफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ट्स, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं, बहुत जल्द आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या लेंगे जुलाई के महीने में लियो राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर क्या एक्शंस लेंगे। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर फाइनली डिसाइड करेंगे कि अब उनको आपको अप्रोच करना है। वो डिसाइड कर लेंगे कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। फाइनली एक डिसीजन उन्होंने, इनकी तरफ से जो क्रॉस रोड चल रहा है उसमें उनको क्लैरिटी मिल गई है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली इस महीने नहीं बट आने वाले महीने में आपको अप्रोच करने वाले हैं या इस महीने की एकदम एंड आकर एकदम एंडिंग स्टेज पर आपको अप्रोच कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस महीने डिसीजन ले लेंगे कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स यानी कि इससे पहले ये आपसे नाराज थे, आपसे दूर भाग रहे थे या भाग रही थी, या आपसे बात करने से भी घंटा बोलते हैं ना एकदम कंटाल रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बट दिस टाइम ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस देखना चाहते हैं क्योंकि इनको एहसास हो चुका है आप इनका सच्चा प्यार है। और सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप ही के साथ अपना लाइफ में पीस ऑफ माइंड फील कर पाएंगे, हैप्पीनेस फील कर पाएंगे, जिसके वजह से ये व्यक्ति एक फैसला करेंगे कि आप ही के साथ उनको आगे की ज़िंदगी निकालनी है। जजमेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है रीबर्थ को, आपके पार्टनर एक नए जन्म को लेते हुए इस महीने नजर आएंगे। एक्शन इस महीने नहीं दिखेगा बट आने वाले समय में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है, इनके पार्टनर के इंटेंशन इनके लिए क्या होने वाले, लियो राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या इंटेंशन रखेंगे जुलाई के महीने में। क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद टू ऑफ वॉन्ड्स, उनका इंटेंशन सीरियसली ये है कि उनको लग रहा है कि अब वो बहुत समय से अकेलेपन को फेस कर चुके हैं या कर चुकी हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलेपन को देख चुके हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में जो अकेलापन पूरा कर सकता है और बहुत लंबे समय से जो एक खालीपन है वो सिर्फ आप ही भर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उनको हैंडल कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानते हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उनको संभाल सकते हैं। इस वक्त वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस चीज़ से भी आप उनको बाहर निकाल पाएंगे और कोई उन्हें नहीं निकाल पाएगा। यानी कि इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, उनको आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वो आपके पास वापस आने का कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हैं। अगर वो आपसे जुड़ जाएंगे तो उनकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका इंटेंशन खालीपन को कम करने का है। वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो ये मायूसी उन्होंने फील करना शुरू की है पिछले कुछ टाइम में, वो मायूसी आप ही कम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप उनकी डिज़ायर में शामिल होते हुए इस महीने नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस विथ हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, बस यू नीड टू फील लव। आपको प्यार महसूस दोबारा करने की जरूरत है, आपने प्यार महसूस करना बंद कर लिया है, रोमांस महसूस करना बंद कर दिया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इस रिलेशनशिप में आप वापस आना चाहते हो तो आपको भी लव की वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आप इक्वल वाइब्रेशन में रहेंगे तभी ये व्यक्ति आपके साथ वापस रिलेशनशिप में यूनियन प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के इस रिलेशनशिप को लेकर होप या फेथफुल होने की जरूरत है, होप रखने की जरूरत है और फेथफुल होने की जरूरत है कि ये रिश्ता देर सवेर आपको कुछ बहुत बेहतरीन डिलीवर करेगा। यानी कि इस तरीके की एक आशा जो पॉजिटिवली आपको स्ट्रांगली फील हो, जिससे आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, लव वाइब्रेशन एक क्रिएट करें। ठीक है, लव वाइब्रेशन क्रिएट करने का मतलब आपके सोच विचारों में अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच विचार आ जाना, तो वो वाली एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है कि जब आप विश्वास रखेंगे तभी वो चीज़ आपके फेवर में वर्क करेगी, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोइंग ट्री की एनर्जी मेरे विजन में सडनली आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो एक अटक गए थे आप सिचुएशन में, वहाँ पर आपका जो पेड़ होते हैं ना सबसे ज़्यादा स्लो, वही वो सबसे ज़्यादा ही स्लो ग्रो करते हैं। राइट, हमारी लाइफ में नहीं, ओवर ऑफ वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ तो प्लांट्स आसानी से ग्रो करते हैं, राइट, पेड़ को ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने पेड़ के लिए ना बहुत लंबा टाइम वेट किया था, नाउ इट्स अ टाइम, हाई टाइम जहाँ पर आपके सब्र का फल आपको मिल सकता है। आपका पेड़, आपका जो बीज आपने डाला है उस
की ग्रोथ कहीं ना कहीं होने को है। तो विजन में बार बार जो है पेड़ ग्रो होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपके सब्र का फल अब आपको जल्द मिलने वाला है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको उस पेड़ के लिए यानी कि इस लव के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लव पॉजिटिव वाइब्रेशन लानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस पेड़ को उगाने के लिए आप जो है उसको गालियां देते रहेंगे और बोलेंगे ये पेड़ नहीं निकलेगा, शायद ये पेड़ उगेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो वो पेड़ नहीं उगेगा। अगर उगा भी तो उसकी दो तीन जो है डंडी निकलेगी और वो भी सड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप होपफुल रहेंगे कि हाँ वो पेड़ मुझे कुछ दे रहा है, मेरे साथ बेहतर होगा, इसका मेरा कनेक्शन है, तभी वो चीज़ आपके फेवर में वर्क करेगी। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू फील लव। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, आपके पार्टनर आप स्टक एनर्जी में है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर लियो राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर उनके मैसेजेस क्या हैं, इनके पार्टनर के मैसेजेस जुलाई मंथ के लिए क्या हैं। तुम बदल गए हो, उन्हें लग रहा है आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप पहले इनसे ही सिर्फ प्यार करते थे, बट अब पिछले कुछ टाइम से आपका ध्यान ही नहीं इनकी तरफ। मुझे आइसोलेशन की एनर्जी आपकी दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है कि आपने फोटोज डालना बंद कर दिया, सोशल साइट में एक्टिव रहना बंद कर दिया, शायद आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, काम के अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं रहती जो आप मोबाइल यूज़ करें, लोगों से आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड से हैं, आप आइसोलेशन की एनर्जी में हैं। और यही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्यूरियस बना रहा है कि अचानक से आप दिखना कैसे बंद हो गए, तो वो वाली एनर्जी है। तुम बहुत स्मार्ट हो, मैंने कहा था आपके पार्टनर आपको बहुत स्मार्ट मानते हैं, उन्हें लगता है आप ही हो जो उनको इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल कर सकते हो और कोई उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। फिलहाल तुमसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम में हूँ। यस, आपके पार्टनर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है जिसमें वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है इस मुसीबत से सिर्फ आप ही उन्हें निकाल पाएंगे। अंधा हो गया हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता मुझे, बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर को अब रियलाइजेशन आई है बहुत लंबे समय के बाद कि वो अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, बहुत सी चीज़ें थी जो उनके सामने ही थी पर उन्हें दिखी नहीं रही थी। न्यू पेट, देर आर चांसेस कि आपकी लाइफ में कोई नया पेट आ सकता है, या कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो आपका पेट है वो उसमें कुछ नए चेंजेस या उसमें उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा, उन्हें लग रहा है कि शायद आपको उनसे बेहतर कोई मिल चुका है ऑलरेडी। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स, ये आपके लिए बहुत रोते हैं रात में, बहुत परेशान होते हैं या बहुत परेशान होती है और बहुत इनसिक्योरिटी इनको फील होती है आपको लेकर, कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट मैसेज, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ लेकिन मेरे लिए और भी बहुत लोग इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्हें ये बात पता है कि आप इनको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ें उनको समझ में आती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको फील भी होती है कि उनके लिए बहुत से लोग इंपॉर्टेंट हैं पर आप उनको हमेशा प्रायोरिटी में रखते हो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।